उपतहसील नमहोल के अंतर्गत पड़ने वाले घ्याल पंचायत के 9 वार्डों में 3 महीनों से पंचायत के ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। इसको लेकर घ्याल पंचायत के सभी वार्डों से ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता राकेश से मिला और अपनी समस्या को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि काफी बार जल शक्ति विभाग नमहोल डिवीजन को इसके बारे में अवगत भी करवाया गया है, लेकिन आज तक उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर 10 दिन के अंदर उनकी समस्या का हल नहीं होता है तो वे चक्का जाम या जल शक्ति विभाग के कार्यालय का घेराव करने से परहेज नहीं करेंगे। सर, समस्या पिछले 2-3 महीनों से हमारी पंचायत में 9 गाँव पड़ते हैं, उन 9 गाँव में लोगों को 9वां या 10वां दिन पानी आ रहा है, जिसके बारे में पूरी पंचायत ने विभाग को जो है कई बार लिखित और मौखिक भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन विभाग द्वारा हर बार यही बात बोली जाती है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। लेकिन आपको पता है कि पानी की जगह लोगों को पानी चाहिए, 10वें दिन पानी आता है, वो भी नाम मात्र 1 या 2 बाल्टी। आज उसी समस्या को लेकर आज जो है हमने एक्शन साहब को ज्ञापन दिया है और आज एक्शन साहब ने हमारे को 10 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 10 दिन के अंदर हमारी ऐसा समस्या हल नहीं होगी तो हम 10 दिन के बाद धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को जो है पानी की बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेचुरल सोर्स हमारे सारे सूख गए हैं और पानी जो है बड़े दूर दूर से खड्डों से 2 या 3-4 किलोमीटर दूर से रात को भरना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर आज हम पूरी ग्राम पंचायत प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ पे आके मिले। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।